हेलो ट्रेडर्स, जब भी हम किसी स्टॉक या करेंसी में ट्रेड करते हैं, ट्रेड प्लेस करने से पहले हमें स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें नहीं पता मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। दोस्तों, अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट चला गया तो हमारा एक बड़ा लॉस भी हो सकता है। इसलिए बड़े लॉस से बचने के लिए हमें स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होता है, और बहुत सारे ट्रेडर स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड प्लेस करते हैं। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग के साथ हमें किस तरह अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर स्टॉप लॉस के ऊपर एक वीडियो लेकर आइए। तो आज हम डिटेल में समझने वाले हैं और सिंपल तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से हमें रिस्क मैनेजमेंट के साथ हमारा स्टॉप लॉस प्लान करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों, ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प मिल पाए। यहाँ पे हम एक एप्लीकेशन के माध्यम से समझने वाले हैं, जो कि हमारी बहुत ज्यादा मदद करेगा कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस लगाने में। जो भी आपका कैपिटल है, अपने कैपिटल का जो भी आप रिस्क लेते हैं, सपोज करिए आपके पास $1,000 का कैपिटल है और आप अपने कैपिटल का 2% रिस्क लेते हैं, 2% रिस्क लेते हैं या 1% रिस्क लेते हैं, तो वहां से आपको ये एप्लीकेशन कैलकुलेट करके देगा कि आपको पर ट्रेड कितनी लॉट साइज के साथ ट्रेड प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करके देगा, कौन सा एप्लीकेशन है, कैसे यूज करना है, चलिए डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहाँ से मैं सबसे पहले आपको मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ ट्रेडर्स। प्ले स्टोर पे सबसे पहले हम चलेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे फॉरेक्स कैलकुलेटर। चलिए सर्च करते हैं। दोस्तों, यहाँ से फॉरेक्स कैलकुलेटर आपके सामने खुल के आ गया है, देखिएगा ये। ठीक है, यहाँ सर्च कर लेंगे हम। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा ये फॉरेक्स कैलकुलेटर का। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो ओपन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। अब आपके सामने सिंपल सा कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस खुल के आ जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अकाउंट करेंसी का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अकाउंट करेंसी यहाँ पे यूरो लिखा हुआ है, तो यूरो की जगह आपको जाना है USD पर। तो यहाँ पे आपको USD यानी डॉलर पे क्लिक करना है। ठीक है, ये मैंने USD पे क्लिक कर लिया। इसके बाद सेकंड जिस करेंसी में आप ट्रेड करते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अभी यूरो USD सिलेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारी करेंसी पेयर देखने को मिल जाएगी। XAU USD पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे XAU USD सिलेक्ट हो चुका है। सेकंड यहाँ पे देखेंगे अकाउंट बैलेंस, यहाँ पे आपको अकाउंट बैलेंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो भी आपका अकाउंट साइज है, सपोज करिए आपका $100 का है, तो आप यहाँ पे 100 डाल दीजिएगा। अगर आपका $1,000 का है तो फिर 1,000 डाल दीजिएगा, 10,000 का है तो फिर 10,000 डाल दीजिएगा, $500 का है $500 डाल दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए $1,000 यहाँ पे पकड़ लेते हैं, अकाउंट बैलेंस $1,000। ठीक है, आपका जो भी अकाउंट साइज है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे रिस्क परसेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, रिस्क परसेंट का मतलब ये है कि आप अपने कैपिटल का कितना परसेंट रिस्क लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 1% कर देता हूँ। हमारे कैपिटल का 1% अगर हम रिस्क लेंगे तो पर ट्रेड हमारा जो लॉस होगा वो रिस्क कितना रहेगा सर, $10। अब ये फिक्स हो जाएगा आपका $10। अब ये कैसे आपको यूज करना है, ध्यान से आपको मोबाइल की स्क्रीन में भी देखना है और यहाँ पे चार्ट में भी देखना है। सपोज करिए आपने एक सपोर्ट जोन यहाँ पे मार्क किया है, ये सपोर्ट प्रीवियस टाइम रेसिस्टेंस था, अब मार्केट ने इसको सपोर्ट लिया है। सपोज करिए आप यहाँ पे एक लॉन्ग पोजिशन बनाना चाह रहे हैं। देखिएगा, ट्रेडिंग व्यू में आपको टूल्स देखने को मिल जाएगा जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा स्टॉप लॉस लगाने के लिए। देखिए, लॉन्ग पोजिशन और शॉर्ट पोजिशन, ये मैंने यहाँ पे लॉन्ग
पोजीशन बनाई, राइट। अब देखिएगा एसएल हम छोटा सा रखना चाह रहे हैं, एसएल हम छोटा सा माइनर सा रखना चाह रहे हैं, मान लीजिए इतना हम एसएल देंगे, टारगेट ऑफ हाई का इस तरीके से प्लान कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपने छोटा सा रखा। एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं हम यहाँ पे, एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं, देखिए अगर आप इतना एसएल लेते हैं तो यहाँ आपको पॉइंट नजर आएंगे, देखिए 151 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पॉइंट है, पिप्स की बात करें तो ये 15 पिप्स है, ठीक है 15 पिप्स, राइट, लेकिन यहाँ पे हमें पॉइंट में यहाँ पे डालना है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे 151 जो आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं वो यहाँ से आपको स्टॉप लॉस पिप्स में डालना है। स्टॉप लॉस पिप्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अब इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे 151 मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और देखिए कैलकुलेट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके साथ यहाँ पे लॉट साइज खुलकर आ जाएगी, आप देख सकते हैं 0.07 लॉट साइज के साथ आप अपनी ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो रिस्क रहेगा वो दोस्तों एकदम फिक्स रहेगा यहाँ पे $10 का, ठीक है, इससे बड़ा आपका रिस्क नहीं रहेगा। अब सपोज करिए आप यहाँ पे अपनी रिस्क को बढ़ाना चाहते हैं, 1% की जगह 2% रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो रिस्क है वो बढ़कर $20 हो जाएगा। और यहाँ पे अभी इसका जो लॉट साइज 0.7 था, इस पे दोबारा से अगर हम क्लिक करेंगे तो ये बढ़कर 0.13 हो जाएगा, ये देखिए 0.13 हो जाएगा। तो अगर आप 2% रिस्क ले रहे हैं अपने कैपिटल का तो 0.13 लॉट साइज के साथ आप यहाँ से ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस और भी बढ़ा हुआ, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस को बढ़ा रखना चाहते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। सपोज करिए आपने इतना बड़ा अपना स्टॉप लॉस रखा, कितने पॉइंट का है ये स्टॉप लॉस, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 264 पॉइंट हमें नजर आ रहे हैं। तो सपोज करिए यहाँ पे हम 2% का रिस्क ले रहे हैं, और 2% के रिस्क के साथ में जो हमारा एसएल है 264 का है, 264 का एसएल हमारा है, ठीक है। अब कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे तो ये लॉट साइज हमारे लिए कैलकुलेट करके देगा कि अब हमें कितनी लॉट साइज के साथ ट्रेड प्लान करना चाहिए। स्टॉप लॉस हमारा बड़ा हो गया, लॉट साइज छोटी हो गई, 0.08 लॉट साइज के साथ अब यहाँ से हमारी ट्रेड को प्लान करना होगा। रिस्क हमारा एकदम फिक्स रहेगा $20 का, चाहे आपका स्टॉप लॉस कितना भी बड़ा हो जाए आपका जो रिस्क है वो एकदम फिक्स हो जाएगा। सपोज करिए यहाँ पे आपने अपने एसएल को और बड़ा रखा, 433 का एसएल आपने रखा, तो आपको क्या करना है यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस पिप्स का जो ऑप्शन है इसमें डाल देना है 433। ये आपको दिखाई दे रहा ना, जितना बड़ा आप स्टॉप लॉस ले रहे हैं उसका जो पॉइंट आपको यहाँ पे नजर आएगा 433, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे आपने यहाँ पे डाला इसके बाद कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। चलिए करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो लॉट साइज है आपके सामने निकल के आ जाएगा 0.05। तो आपको जो ट्रेड यहाँ पे प्लान करना है वो 0.05 लॉट साइज के साथ अपनी ट्रेड प्लान करना है। आपका जो रिस्क रहेगा ट्रेडर्स वो एकदम फिक्स है, यहाँ पे रिस्क अमाउंट एकदम फिक्स है $20 का, इससे ना तो कम ना ज्यादा, आपका लॉस फिक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है $20 का ही लॉस होगा आपका अगर एसएल हिट होता है तो, ठीक है। चलिए और भी मैं आपको यहाँ पे दूसरे टाइम फ्रेम में दिखाना चाहूंगा, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, सपोज करिए आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हैं। आपने देखा ट्रेडर्स ये एक जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है, अब ये सपोर्ट जोन पे आप कोई बाय की ट्रेड प्लान कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सपोर्ट पे आप लॉन्ग पोजिशन प्लेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्टॉप लॉस को देखेंगे। सपोज करिए आप यहाँ पे एंट्री बनाना चाहते हैं और एसएल यहाँ पे रखना चाहते हैं, तो ये वाला जो एसएल आपका हो रहा है देखिए 53.6 का हो रहा है, 53.6, तो 53 की जगह हम इसको 54 पकड़ लेंगे, ठीक है 54, ये 54 मैंने यहाँ से पकड़ लिया है। और यहाँ पे सारी चीज एकदम फिक्स है हमारी, देखिए $1,000 का कैपिटल है, 2% का रिस्क ले रहे हैं, हमारा रिस्क अमाउंट कितना है
$20 यानी $20 का ही यहाँ पे नुकसान होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमारा ये निकल के आ जाएगा लॉट साइज। देखिएगा आप यहाँ पे 0.37 लॉट साइज के साथ हम यहाँ पे अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी लॉट साइज यहाँ पे निकल के आई, लेकिन रिस्क आपका यहाँ पे फिक्स हो गया ट्रेडर्स, रिस्क आपका फिक्स है, सिर्फ $20 का ही नुकसान होगा, ठीक है, इससे बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो 0.37 के साथ यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप ट्रेड प्लेस करने से पहले अपने रिस्क को फिक्स कर सकते हैं और कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। यहां से मैं आपको एक शॉर्ट का एग्जांपल भी दिखाना चाहूंगा। सपोज करिए आपने ये एक रेसिस्टेंस जोन मार किया, ठीक है, और आप यहां से ट्रेड प्लान करना चाह रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन बनाई है और आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस लेवल के आसपास आप प्लान कर रहे हैं। ये ट्रेड प्लेस करने से पहले का कैलकुलेशन है। ट्रेड प्लेस करने से पहले हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस लेवल के आसपास अगर हम अपनी ट्रेड शॉर्ट करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 97 पॉइंट का। स्टॉप लॉस कितना होगा सर, 97 पॉइंट का। कैलकुलेटर पर जाएंगे और कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 97 स्टॉप लॉस पिप्स का जो पॉइंट है इसी में हमें डालना है 97। यहाँ पे डाल देंगे हम 97 और कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे ही हम कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो ये लॉट साइज हमारे सामने निकल के आ जाएगी 0.21। तो यहाँ पे जो हम ट्रेड प्लेस करेंगे वो कितने लॉट साइज के साथ प्लेस करेंगे, 0.21 लॉट साइज के साथ। तो हमारा यहाँ से अगर SL हिट हुआ तो नुकसान कितना होगा सर, सिर्फ $20। $20 का क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने हमारा जो कैपिटल का रिस्क है वो 2% सिलेक्ट करके रखा है, 2%, ठीक है, इससे बड़ा रिस्क नहीं होगा। अगर आप रिस्क को यहाँ पे बढ़ाते हैं 2% की जगह 3% अगर आप करते हैं ट्रेडर्स, तो यहाँ पे देखिएगा पहले $20 का रिस्क था, अभी कितना हो गया, $30 का रिस्क। अभी यहाँ पे देखिएगा अगर आप 97 का जो आपका SL है, 97 का जो SL है, अगर इसी SL के साथ 3% रिस्क के साथ ट्रेड प्लेस करते हैं तो आपका लॉट साइज अलग निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, चलो कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे 0.31 लॉट साइज निकल के आ गया है। पहले कितना आ रहा था, 0.21, अभी 0.31 लॉट साइज यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, यानी लॉट साइज यहाँ पे बढ़ गया है। तो इस तरीके से हम इस एप्लीकेशन की मदद से अपने रिस्क को फिक्स कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको थोड़ा नॉलेज जरूर मिला होगा, थोड़ा हेल्प मिला होगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो से थोड़ा हेल्प मिला, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूले, ताकि ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर एक और नई ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।